हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। टुडे वी आर कंटिन्यूइंग विद द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, राइट? एंड इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस स्लाइम मॉल्ड्स। टिल नाउ इन किंगडम प्रोटिस्टा वी हैव सीन किंगडम प्रोटिस्टा डिवाइडेड इनटू फाइव डिफरेंट ग्रुप्स: क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लाजेलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मॉल्ड्स एंड प्रोटोजोआ। And we studied the characters of chrysophytes, also called golden algae, and it which include examples like diatoms and desmids. Dinoflagellate include example like goniolex, right? Euglenoids include euglena, right? Like that, we are continuing with the next group, that is slime molds under kingdom Protista. Slime molds also called, they are also called saprophytic protista. They are also called saprophytic protista. That means they grow on dead and decaying matter. Grow on dead and decaying matter. डेड और डीकेइंग मैटर पे ग्रो होने वाले स्लाइम मॉल्ड्स हैं सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्टा, ग्रो ऑन डेड एंड डीकेइंग मैटर। एंड दिस स्लाइम मॉल्ड्स इन वेजिटेटिव फेज नो सेल वॉल, वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर दे आर नॉट हैविंग सेल वॉल इन वेजिटेटिव फेज। जो इनके अडल्ट सेल्स हैं, वेजिटेटिव बॉडी के जो सेल्स हैं ना, उनमें कोई सेल वॉल नहीं है, बट स्पोर्स आर हैविंग सेल वॉल। वेजिटेटिव फेज इज नॉट हैविंग सेल वॉल, बट स्पोर्स आर हैविंग सेल वॉल, राइट? ओके। एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग स्लाइम मॉल्ड्स, स्लाइम मॉल्ड्स अंडर फेवरेबल कंडीशन दे ग्रो इन अग्रीगेशन। अंडर फेवरेबल कंडीशन दे ग्रो इन अग्रीगेशन, ग्रो इन अग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम, कॉल्ड प्लाज्मोडियम। ठीक है, जब फेवरेबल कंडीशन है, जब बेस्ट कंडीशन है, लाइफ सपोर्टिंग कंडीशंस हैं, अंडर फेवरेबल कंडीशन ये पूरे मिलकर ग्रो होते हैं स्लाइम मॉल्ड्स अग्रीगेशन में, इन ए टीम, इन ए ग्रुप, एंड दैट इज कॉल्ड एज प्लाज्मोडियम। व्हेन स्लाइम मॉल्ड्स ग्रो इन अग्रीगेशन अंडर फेवरेबल कंडीशन दे आर कॉल्ड प्लाज्मोडियम, एंड अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दे मेक स्पोर्स। अंडर फेवरेबल कंडीशन दे ग्रो इन अग्रीगेशन, मिलकर ग्रो हो रहे हैं, that is called plasmodium. Under unfavorable condition they make spores. ठीक है, unfavorable condition में क्या कर रहे हैं, spores बना रहे, powder like structure spores, and those spores क्या होंगे, फिर disperse हो जाएंगे, वो spores disperse by air. ठीक है, these are the points regarding slime molds. Remember students, question can be framed like this: which of the following statement is incorrect about slime molds? तो आप क्या लेंगे, slime molds के अगर incorrect point पूछा गया है, statement carefully पढ़ना चाहिए। Slime molds, they are belonging to kingdom Protista, they are saprophytic. Saprophytic mean they grow on dead and decaying matter पे grow हो रहे हैं, okay? एंड इन वेजिटेटिव फेज नो सेल वॉल बिल्कुल नहीं है वेजिटेटिव फेज में, लेकिन उनके स्पोर्स में सेल वॉल होते हैं।
एग्जाम में हो सकता है स्टेटमेंट आ जाए, इन स्लाइम मॉल्ड्स वेजिटेटिव फेज इज हैविंग सेल वॉल, स्पोर्स आर नॉट हैविंग सेल वॉल, ये स्टेटमेंट क्या होगा? रॉन्ग होगा, है ना। दिस टाइप ऑफ स्टेटमेंट क्वेश्चन कैन बी फ्रेम्ड, स्पोर्स आर हैविंग सेल वॉल, वेजिटेटिव फेज इज नॉट हैविंग सेल वॉल, अंडर फेवरेबल कंडीशन, जब कंडीशन सूटेबल हैं, बेस्ट हैं, दैट टाइम दे ग्रो इन अग्रीगेशन, इन मासेस दे ग्रो, दैट इज कॉल्ड एज प्लाज्मोडियम। और अनफेवरेबल कंडीशन में ये स्पोर्स बनाते हैं, पाउडर लाइक स्पोर्स बनाते हैं, और वो स्पोर्स क्या होते हैं? डिस्पर्स हो जाते हैं, स्पोर डिस्पर्स बाय एयर, एयर से डिस्पर्स हो जाते हैं, बिखर जाते हैं। दिस इज व्हाट रिगार्डिंग स्लाइम मॉल्ड यू शुड रिमेंबर। एनसीईआरटी में क्या दिया है देखेंगे एक बार, स्लाइम मॉल्ड का पैराग्राफ है देखिए यहां पर, ओके। स्लाइम मॉल्ड्स आर सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्टा, सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट मीन्स दे ग्रो इन डेड एंड डीकेइंग मैटर, द बॉडी मूव्स अलोंग डीकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स, दैट मीन्स दे ग्रो ऑन डेड एंड डीकेइंग मैटर एंड दे मूव अपॉन डेड एंड डीकेइंग मैटर एनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल, दैट मीन्स दे ईट ऑर्गेनिक मैटर, डेड मैटर। अंडर सूटेबल कंडीशन दे फॉर्म अग्रीगेशन, सूटेबल कंडीशन है तो मिलके रहेंगे, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मोडियम, राइट, विच मे ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट, और वो प्लाज्मोडियम स्प्रेड होते चले जाता है टू सेवरल फीट। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट एंड फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज, व्हाट इज मीन बाय फ्रूटिंग बॉडीज स्टूडेंट? रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन में हेल्प करने वाले स्ट्रक्चर को बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडीज। अंडर फेवरेबल कंडीशन, राइट, अंडर अनफेवरेबल कंडीशन प्लाज्मोडियम फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज बियरिंग स्पोर्स एट देयर टिप्स। स्पोर्स कब डिस्पर्स होना है? अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। कहां पर बन रहे हैं स्पोर्स? फ्रूटिंग बॉडीज। स्पोर्स पोजेस ट्रू वॉल्स, ट्रू वॉल, सेल वॉल है उनके पास, स्पोर्स में है। दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स। अंडर एडवर्स कंडीशन, जब कंडीशन एडवर्स मतलब अनफेवरेबल कंडीशन, स्पोर्स आर डिस्पर्स बाय एयर, एयर। एग्जाम में स्टेटमेंट आया, स्लाइम मॉल्ड्स प्रोड्यूसेस स्पोर्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशन एंड दे आर डिस्पर्स बाय एयर और वाटर, दे आर डिस्पर्स बाय एयर करंट बोलना चाहिए। एंड सी द डायग्राम ऑल्सो हियर, दिस इज द डायग्राम ऑफ स्लाइम मॉल्ड, सो मेनी डॉट्स आर हियर, दीज डॉट्स आर स्लाइम मॉल्ड्स, और ये पूरे स्लाइम मॉल्ड मिलके ग्रो हो रहे हैं, अग्रीगेशन में ग्रो हो रहे हैं, ग्रुप में, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड प्लाज्मोडियम। ओके, नेक्स्ट अब आ रहे हैं हम, देखिए प्रोटोजोआ, ऑल प्रोटोजोआ आर हिटीरोट्रॉफ्स, ऑल प्रोटोजोआ, जितने भी प्रोटोजोआ थे वो पूरे हिटरोट्रॉफ हैं। स्लाइम मॉल्ड सैप्रोफाइटिक हैं, प्रोटोजोआ आर हिटरोट्रॉफ एंड लाइव एज प्रिडेटर और पैरासाइट। दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स। एक्चुअली ये जो वर्ड प्रोटोजोआ है, प्रोटो प्लस जोआ से बना हुआ है, प्रोटो मतलब फर्स्ट, जोआ मीन्स एनिमल। देर आर फोर मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोआ, अमोएबॉयड प्रोटोजोआ, अमोएबा लाइक, दे लिव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल। अमोएबा कहाँ मिलेंगे? फ्रेश वाटर, मरीन वाटर और मॉइस्ट सॉइल में भी मिल सकते हैं। दे मूव एंड कैप्चर देर प्रे बाय पुटिंग आउट सीडोपोडिया, सीडोपोडिया इनका लेग है, सीडोपोडिया अमोएबा का लेग होता है ना, टेम्पररी लेग, फाल्स फीट बोलते हैं, एज इन अमोएबा। मरीन फॉर्म्स हैव सिलिका शेल्स ऑन देयर सर्फेस, दोज अमोएबा विच ग्रो इन मरीन वाटर, दोज अमोएबॉइड्स विच ग्रो इन मरीन वाटर, दे फॉर्म सिलिका कवर ऑन देयर बॉडी। Some of them such as entamoeba are parasite. कुछ amoeboid parasitic भी होते हैं, entamoeba बोल के, right? Flagellated protozoa, that means they have flagella. Clear? Flagella होता है, and best example of flagellated protozoa is trypanosoma. क्या है example? Trypanosoma which causes sleeping sickness.
स्लीपिंग अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस बोलते हैं डिसीज को, राइट, दैट इज कॉज बाय अ फ्लैजेलेटर प्रोटोजोआ ट्रिपैनोसोमा. सीलिएटेड मतलब दे हैव सीलिया, दे आर एक्वाटिक एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सीलिया, न्यूमरस सीलिया, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, एंड दे हैव ए कैविटी कॉल्ड गल्लेट. दे हैव ए कैविटी दैट माउथ लाइक कैविटी गल्लेट विच ओपन्स टू द आउटसाइड, माउथ ओपन्स टू द दैट फॉर माउथ जस्ट लाइक माउथ, दे हैव एन कैविटी इन देयर बॉडी दैट इज कॉल्ड गल्लेट. द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ सीलिया, सारे सीलिया मिलकर काम करेंगे वाटर लैडन एरिया में टू अब्सॉर्ब और टू स्वैलो द फूड इन टू द गल्लेट. दे स्वैलो फूड इन टू द गल्लेट विद द हेल्प ऑफ हेयर लाइक सीलिया. एंड वट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सीलिएटेड प्रोटोजोआ? बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सीलिएटेड प्रोटोजोआ इज पैरामीशियम. तो याद रखें वट आर द प्रोटोजोआंस, अमोइबॉइड प्रोटोजोआ, फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोआ, सीलिएटेड प्रोटोजोआ, एंड वन मोर ग्रुप स्पोरोजोआंस. स्पोरोजोआंस दे आर फॉर्मिंग इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन द लाइफ साइकिल. दैट मीन्स स्पोरोजोआन जो है पैरासाइटिक होते हैं, दे अटैक एनिमल्स. मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ स्पोरोजोआ इज मलेरिया कॉजिंग पैरासाइट. वट इज द मलेरियल पैथोजन? मलेरियल पैथोजन, डिसीज कॉजिंग पैथोजन कौन सा है यहां पर? प्लाज्मोडियम. द मोस्ट नोटोरियस इज प्लाज्मोडियम, मलेरियल पैरासाइट. प्लाज्मोडियम इज द कॉजिटिव एजेंट ऑफ मलेरिया एंड इट हैज कॉज स्टैगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन. मतलब बहुत सारे लोग मलेरिया की वजह से मर गए थे पहले, नाउ वी आर हैविंग ट्रीटमेंट फॉर दैट, बट जब स्टार्टिंग में मैनी पीपल दे डाइड बिकॉज ऑफ मलेरिया बाई ए डेडली बोल सकते हैं पैथोजन प्लाज्मोडियम. इफ ट्रीटमेंट इज नॉट टेकन, ट्रीटमेंट अगर नहीं लिए तो डेडली हो जाएगा वो. ओके, नोट्स बना लेंगे प्रोटोजोआ के. चलिए नेक्स्ट प्रोटोजोआ आई. प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ को हम कितने ग्रुप में डिवाइड करें जरा बताइए. प्रोटोजोआ डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी ग्रुप्स? अमोइबॉइड्स, अमोइबॉइड्स, फ्लैजेलेट्स, फ्लैजेलेट्स, सीलिएट्स, अमोइबॉइड्स, फ्लैजेलेट्स, सीलिएट्स, एंड देन और कौन सा आ रहा है देखिए यहां पर, स्पोरोजोआंस. स्पोरोजोआंस ओके. अमोइबॉइड्स में आता है एग्जाम्पल अमोएबा एंड अमोएबा. व्हाट इज द एग्जाम्पल? अमोएबा एंड एंटामोएबा. एंड दिस क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ, एक्चुअली प्रोटो का मतलब क्या होता है? फर्स्ट. फर्स्ट जोआ का मतलब होता है एनिमल्स, जोआ एनिमल्स होते हैं. एंड प्रोटोजोआ आर मोस्ट प्रिमिटिव. आई कैन से प्रोटोजोआ आर, प्रोटोजोआ आर मोस्ट प्रिमिटिव, मोस्ट प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल. प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स, प्रोटोजोआ जो है बहुत ही प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स हैं. प्रोटो मीन्स फर्स्ट, जोआ मीन्स एनिमल, एंड दे आर द मोस्ट प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स. एंड अमोइबॉइड्स, ये जो अमोइबॉइड्स हैं इसमें एग्जाम्पल आ रहा है अमोएबा एंटामोएबा, अमोएबा एंटामोएबा. फ्लैजेलेट में मैंने एक एग्जाम्पल बताया दैट इज ट्रिपैनोसोमा. व्हाट इज द एग्जाम्पल? ट्रिपैनोसोमा. और सीलिएट्स में मैंने एक एग्जाम्पल बताया दैट इज पैरामीशियम, पैरामीशियम. और एक ग्रुप स्पोरोजोआंस का एक एग्जाम्पल यहां पर प्लाज्मोडियम. यस स्टूडेंट, डोंट कंफ्यूज.
प्लाज्मोडियम, आज के ही क्लास में मैं प्लाज्मोडियम वर्ड दो अलग अलग जगह यूज किया, स्लाइम मॉल्ड्स में भी प्लाज्मोडियम वर्ड आया था, बट क्वेश्चन विल बी डिफरेंट. व्हेन स्लाइम मॉल्ड्स आर ग्रोइंग इन एग्रीगेशन दैट इज ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मोडियम एंड मलेरिया इज कॉज्ड बाई प्लाज्मोडियम. लेकिन दोनों भी क्या है ना, अलग अलग ग्रुप से बिलोंग करते हैं, टर्म्स आर डिफरेंट. प्लाज्मोडियम यूसेज ऑफ टर्म प्लाज्मोडियम कॉजिंग मलेरिया बोले तो भी सही है. व्हेन स्लाइम मॉल्ड्स ग्रो इन एग्रीगेशन दैट इज ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मोडियम बोल सकते हैं. अमोएबॉइड्स, अमोएबॉइड्स इंक्लूड अमोएबा एंटामोएबा राइट, एंड फ्लैजेलेट इंक्लूड ट्रिपैनोसोमा सीलिएट्स पैरामिशियम स्पोरोजोआन प्लाज्मोडियम. एंड दिस क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ into these groups is mainly based on locomotory structure. kya likhe, classification of protozoa mainly based on, kis basis pe karte hain classification of protozoa, mainly based on locomotory structure. लोकोमोटरी स्ट्रक्चर मतलब इनका लोकोमोशन किससे हो रहा है वो देखना जरूरी है यहां पर, ठीक है. इन ईच एंड एवरी ग्रुप, अमोएबा में लोकोमोशन हो रहा है सीडोपोडिया से, अमोएबॉइड डू लोकोमोशन विद द हेल्प ऑफ सीडोपोडिया, सीडोपोडिया अमोएबॉइड्स डू लोकोमोशन बाय सीडोपोडिया, फ्लैजेलेट डू लोकोमोशन बाय फ्लैजेला, फ्लैजेला इज लोकोमोटरी स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजेलेट्स, एंड सीलिया डू लोको सीलिएट्स डू लोकोमोशन बाई मीन्स ऑफ सीलिया. फ्लैजेला इज अ लॉन्ग विप लाइक स्ट्रक्चर, सीलिया इज न्यूमरस हेयर लाइक स्ट्रक्चर. और दिस स्पोरोजोआन्स, स्पोरोजोआन्स में कोई लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नहीं है, नो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, नो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, याद रखें. दिस इज वॉट क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ. Protozoa are classified into these four groups, right? And amoeboids में क्या है, pseudopodia है, flagellates में flagella है, ciliates में cilia है, sporozoa में तो locomotory structure ही नहीं है. Note करिए सारे points ये, and this much of information you should remember here. Note करो. Okay, now after this kingdom Protista, we have completed kingdom Protista, and you remember this Trypanosoma के बारे में जरूर याद रखिए यहाँ पे. Trypanosoma क्या करता है, sleeping sickness करता है, cause sleeping sickness disease. Okay, and in case of paramecium, what they have, माउथ लाइक ओपनिंग, दे हैव माउथ लाइक ओपनिंग कॉल्ड गल्लेट. व्हाट इज द माउथ लाइक ओपनिंग प्रेजेंट इन पैरामीशियम, गल्लेट बोले. एंड दिस ईयर अमोएबा एंटामोएबा दे मे बी फ्रेश वाटर मरीन और पैरासिटिक, ये फ्रेश वाटर में भी मिल सकते हैं आपको, सी वाटर में भी मिल सकते हैं, और दे कैन ग्रो ऑन मॉइस्ट सॉइल ऑल्सो, मॉइस्ट सॉइल पे भी ग्रो हो सकते हैं, और दे मे बी पैरासाइटिक समटाइम, पैरासाइटिक भी हो सकते हैं, दे मे बी पैरासाइट. फॉर एग्जाम्पल एंटामोएबा, एंटामोएबा इज पैरासाइटिक, एंटामोएबा पैरासाइटिक ही है, ठीक है. स्लीपिंग सिकनेस डिसीज इज कॉज बाई विच प्रोटोजोवा, ट्रिपैनोसोमा बिलोंगिंग टू विच ग्रुप, क्या आंसर लिखेंगे आप, फ्लैजेलेट्स.
फ्लैजलेट्स में एग्जाम्पल ट्रिपैनोसोमा एंड इट कॉजेस स्लीपिंग सिकनेस. ओके, नोट करिए सारे पॉइंट्स. लेट्स गो फॉर नेक्स्ट ग्रुप, नेक्स्ट किंगडम. अब नेक्स्ट किंगडम जा रहे हैं हम, किंगडम माइकोटा. किंगडम माइकोटा फर्स्ट पॉइंट्स लिख लेंगे, फिर बुक में भी देखेंगे क्या है पॉइंट्स. किंगडम माइकोटा, मेंबर्स ऑफ किंगडम माइकोटा, मेंबर्स आर कॉल्ड फंजाई. क्या बोले? फंजाई बोले. द मेंबर्स ऑफ किंगडम माइकोटा आर कॉल्ड फंजाई. इनका जो सेल वॉल होता है ना, सेल वॉल मेड ऑफ काइटिन, मेड ऑफ काइटिन होता है, ठीक है. और इनका जो स्टोर्ड फूड होता है ना, स्टोर्ड फूड वो ग्लाइकोजन है. स्टोर्ड फूड इज ग्लाइकोजन, ग्लूकोज से बना होता है ग्लाइकोजन. ओके, एंड स्टडी ऑफ फंगाई को, व्हाट डू यू कॉल स्टडी ऑफ फंगाई? स्टडी ऑफ फंगाई इज कॉल्ड माइकोलॉजी. स्टडी ऑफ फंगाई इज कॉल्ड माइकोलॉजी. फंगाई की स्टडी को हम क्या बोलेंगे? माइकोलॉजी बोलेंगे. ओके, नेक्स्ट. इनके पास फिलामेंटस स्ट्रक्चर है. फिलामेंटस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? हाइफे. फिलामेंटस स्ट्रक्चर मतलब इफ आई ड्रॉ हियर वन फंगाई, तो फंगाई माइक्रोस्कोप में ऐसे फिलामेंट्स दिखते हैं, फिलामेंट्स की तरह लॉन्ग ट्यूब लाइक फिलामेंट्स, लॉन्ग ट्यूब लाइक फिलामेंट्स. ओके, लाइक दिस फिलामेंट्स आर प्रेजेंट. लॉन्ग ट्यूब लाइक फिलामेंट्स. व्हाट आर फिलामेंटस स्ट्रक्चर? फिलामेंटस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे हाइफे. एंड नेटवर्क ऑफ हाइफे को क्या बोलेंगे? नेटवर्क ऑफ हाइफे इज कॉल्ड माइसीलियम. माइसीलियम बोलेंगे नेटवर्क ऑफ हाइफे. और यू कैन से टोटल फंगल बॉडी. टोटल फंगल बॉडी, डोंट कंफ्यूज हियर. देखो एक फिलामेंट को क्या बोल रहे हैं हम? हाइफे. वी आर कॉलिंग दिस वन फिलामेंट. ये एक फिलामेंट हुआ ना, तो इसको बोले हाइफे. एंड नेटवर्क ऑफ हाइफे, ये पूरा मिलाकर हो गया माइसीलियम. ये पूरा स्ट्रक्चर मिला के हो गया माइसीलियम. सो व्हेन यू रीड बुक तो कंफ्यूजन ऐसा हो सकता है. सो स्टूडेंट गेट डिफिकल्टी इन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाइफे एंड माइसीलियम. हाइफे दे आर फिलामेंटस स्ट्रक्चर, इंडिविजुअल फिलामेंटस स्ट्रक्चर. जबकि माइसीलियम क्या है? टोटल फंगल बॉडी को माइसीलियम बोल रहे हैं. नेटवर्क ऑफ हाइफे कॉल्ड माइसीलियम. टोटल फंगल बॉडी, पूरे फंगस की बॉडी को माइसीलियम बोलते हैं. और उसमें से एक 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 फिलामेंटस स्ट्रक्चर को हाइफे बोलते हैं. ठीक है, ओके. एंड फंगई, फंगाई मे ग्रो अलॉन्ग विथ अलगे. अगर फंगाई अलगे के साथ ग्रो हो रहे हैं, इफ देर इज ए कंपोजिट स्ट्रक्चर. कंपोजिट मतलब मिक्स स्ट्रक्चर ऑफ अलगे प्लस फंगाई. इफ अलगे एंड फंगाई बोथ आर ग्रोइंग टुगेदर, इट इज कॉल्ड लाइकेन. अलगे प्लस फंगाई दोनों मिलाकर लाइकेन हो जाएगा. और रूट प्लस फंगाई, अगर रूट और फंगाई दोनों मिलकर ग्रो होंगे तब क्या बोलेंगे? माइको, माइकोरहिजा बोलेंगे. रूट्स प्लस फंगाई, माइकोरहिजा. ठीक है, अगर फंगाई और अलगे दोनों मिलकर ग्रो हो रहे हैं लाइकेन, वी कॉल देम लाइकेन.
एंड रूट प्लस फंगाई मिलके ग्रो हो रहे हैं तो माइकोरहिजा। ठीक है, ये याद रखेंगे, फंगाई प्लस अलगे लाइकेन, रूट प्लस फंगाई माइकोरहिजा। ओके यहां पर आइए वापस, पॉइंट्स देखेंगे हम। फंगाई कंस्टिट्यूट ए यूनिक किंगडम, फंगाई में एक यूनिक किंगडम है, यूनिक किंगडम ऑफ हिटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। पॉइंट नोट करेंगे, यहां पे कुछ अंडरलाइन करेंगे, अब भी एनसीईआरटी ओपन कर लो, हिटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। सो ऑल किंगडम माइकोटा मेंबर्स आर हिटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, दे आर अनेबल टू प्रिपेयर देयर ओन फूड, दे शो ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी मतलब इनका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, एंड हैबिटेट मीन्स लोकेशन वेयर दे ग्रो। दे मे ग्रो ऑन ब्रेड और दे मे ग्रो ऑन रॉटन फ्रूट्स, ब्रेड पर, खराब हुए से फ्रूट्स पर, रॉटनिंग फ्रूट्स पे ग्रो होते हैं। कॉमन मशरूम, मशरूम दैट वी ईट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ फंजाई, एंड देर आर सम फंगाई, टोड स्टूल्स, दोज आर पॉइजनस, पॉइजनस हैं, और कुछ फंगाई जो है पैरासाइट के वैसा ग्रो होते हैं, पैरासाइटिक फंगाई ऑल्सो, पैरासाइटिक फंगाई ऑल्सो सीन। सम आर यूनिसेलुलर फंगाई, ईस्ट फॉर एग्जाम्पल, ईस्ट इज यूज फॉर मेकिंग ब्रेड एंड बियर, ब्रेड और बियर बनाने के लिए ईस्ट यूज कर रहे हैं, इट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ फंगाई। अदर फंगाई इन प्लांट्स एंड एनिमल, से फॉर एग्जाम्पल पक्षीनिया, देखिए कौन कौन से एग्जाम्पल आ गए, ईस्ट वन एग्जाम्पल, पक्षीनिया इज अनदर एग्जाम्पल। पक्षीनिया इज ग्रोइंग ऑन वीट प्लांट, विच प्लांट, वीट प्लांट पे ग्रो होने वाला फंगस पक्षीनिया। सम अदर एग्जाम्पल्स आर पेंसिलियम, पेंसिलियम इज वेरी इंपॉर्टेंट फंगस बिकॉज इट गिव्स एंटीबायोटिक पेंसिलीन, करेक्ट, फर्स्ट एंटीबायोटिक पेंसिलीन वॉज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एंटीबायोटिक्स आर यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिसीजेस, बैक्टीरियल डिसीजेस स्पेशली। फंगाई आर कॉस्मोपॉलिटन, कॉस्मोपॉलिटन मीन्स ग्रो ऑलमोस्ट ऑल प्लेसेस, हर जगह ग्रो होने वाले, एंड ऑकर इन एयर, वाटर, सॉयल, ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स। एंड वेयर फंगस दे लव टू ग्रो, दे लव टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस, वार्म प्लेसेस और ह्यूमिड प्लेसेस में ग्रो होते हैं फंगस, वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई वी कीप फूड इन द रेफ्रिजरेटर, हम फूड रेफ्रिजरेटर में क्यों रखते हैं? सो रेफ्रिजरेटर इज हैविंग लो टेम्परेचर, एंड लो टेम्परेचर प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ फंगई, बिकॉज फंगई दे लव टू ग्रो इन वार्म प्लेसेस, एंड रेफ्रिजरेटर इज हैविंग वेरी लो टेम्परेचर, बिकॉज ऑफ दैट फंगस इज अनेबल टू ग्रो। अगर फंगस ग्रो नहीं होगा तो फूड विल बी स्टोर्ड फॉर लॉन्ग टाइम इन फ्रेश कंडीशन, स्टोर करके रख सकते हैं। यहां पर कुछ पॉइंट्स बनाएंगे हम। ईस्ट, मशरूम, टोड स्टूल्स, एंड वन मोर एग्जाम्पल पेंसिलियम, पेंसिलियम। ईस्ट क्या है, देखिए यहां पर ईस्ट एक यूनिसेलुलर फंगाई है, इट इज यूनिसेलुलर फंजाई। इफ दे आस्क यू व्हाट इज द यूनिसेलुलर फंजाई, तो यू शुड आंसर ईस्ट इज यूनिसेलुलर फंजाई, यूज फॉर मेकिंग ब्रेड एंड बियर, ब्रेड एंड बियर बनाने में यूज करते हैं ईस्ट। मशरूम, मशरूम जो है एक इडिबल फंजाई में आता है, मशरूम कम अंडर विच ग्रुप, इडिबल, इडिबल फंगस में आता है मशरूम। टोड स्टूल जो है पॉइजनस मशरूम है, पॉइजनस मशरूम, पॉइजनस मशरूम में कौन है, टोड स्टूल। पेंसिलियम, पेंसिलियम एक फंगस है, इंपॉर्टेंट, मेडिकली इंपॉर्टेंट फंगस है, मेडिसिनली इंपॉर्टेंट,
मेडिसिनली इम्पॉर्टेंट फंजाई, मेडिसिनली इम्पॉर्टेंट फंजाई है, यूज एंटीबायोटिक, इट यूज एंटीबायोटिक पेंसिलीन, इट यूज एंटीबायोटिक पेंसिलीन। ईस्ट क्या है? ईस्ट ब्रेड एंड बियर बनाने में यूज कर रहे हैं, मशरूम एक इडिबल फंगस है, और टोड स्टूल जो है पॉइजनस मशरूम है, याद रखना। मैच द फॉलोइंग में ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, टोड स्टूल पॉइजनस मशरूम। पेंसिलियम इज मेडिसिनली इंपॉर्टेंट फंगस, इट गिव्स एंटीबायोटिक पेंसिलीन, एंड फर्स्ट टाइम पेंसिलीन डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर्ड। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर्ड पेंसिलीन बोल के याद रखिए। एंड पेंसिलीन इज ऑल्सो कॉल्ड वंडर ड्रग बिकॉज इट इज यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ नंबर ऑफ बैक्टीरियल डिसीजेस। अर्लियर बहुत ज्यादा यूज करते थे पेंसिलीन को। एंड पेंसिलीन इज ऑल्सो ए फंगल प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाई पेंसिलियम। पेंसिलियम इज फंगस नेम, पेंसिलीन इज एंटीबायोटिक नेम। नोट करें सारे पॉइंट्स। ओके, नोट कर लो। नेक्स्ट जाएंगे। देखिए हम फंगाई हैव वाइड डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंट टाइप्स के फंगस हैं इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। सो फंगाई दे आर हैविंग वाइड डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। मॉर्फोलॉजी क्या होगा? मॉर्फोलॉजी इज एक्सटर्नल अपियरेंस ऑफ द फंगस, हाउ दे लुक, व्हाट इज द शेप ऑफ फंगाई। हैबिटेट क्या होगा? प्लेस। हैबिटेट इज प्लेस ऑफ ऑकरेंस वेयर दे ग्रो, प्लेस लोकेशन को बोल रहे हैं हैबिटेट। फंगाई हैव वाइड डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट, अलग अलग प्लेसेस में ग्रो हो रहे हैं, राइट? यस। एंड फंगाई दे वांट व्हाट टाइप ऑफ कंडीशंस टू ग्रो? फंगाई ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस में, मॉइस्ट कंडीशन में ग्रो होते हैं, वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। एंड फूड रिमेन फ्रेश फॉर ए लॉन्ग टाइम इनसाइड द रेफ्रिजरेटर बिकॉज रेफ्रिजरेटर इज नॉट प्रोवाइडिंग वार्म कंडीशन एंड फंगस रिमेन वॉट दिस इनएक्टिव और यू कैन से नॉट ग्रोइंग इनसाइड द रेफ्रिजरेटर। इन रेफ्रिजरेटर्स बिकॉज ऑफ लो टेम्परेचर फंगस इज अनेबल टू ग्रो लिख सकते हैं। दैट्स वाई फूड रिमेन्स फ्रेश इन रेफ्रिजरेटर्स। That's why food remain fresh in refrigerators. Refrigerators में food fresh रहता है for a long time because fungus is unable to grow there because of low temperature. Warm conditions मिलते हैं वहाँ पर। Fungi is love to grow in warm condition and humid places. And those conditions are not available in refrigerators. And fungi, they have wide diversity in morphology as well as in habitat. चलिए पॉइंट्स नोट करें। कम बैक टू दिस
एनसीईआरटी अगेन, विद द एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट, ईस्ट को एक छोड़कर, ईस्ट एक ही यूनिसेल्युलर फंगस है, देखिए, विद द एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट, एक्सेप्शन एक ही ईस्ट है, फंगाई आर फिलामेंटस, देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफे, जैसे मैं बताया ना, फंगस के बॉडी में से लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, व्हाट डू यू कॉल दिस लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, हाइफे, वन फिलामेंट इज हाइफे एंड ऑल द फिलामेंट्स टूगेदर कंबाइंडली कॉल्ड माइसिलियम, नेटवर्क ऑफ हाइफे को क्या बोले, माइसिलियम, सम हाइफे कॉल्ड सीनोसाइटिक, सम हाइफे आर कॉल्ड सीनोसाइटिक, सीनोसाइटिक मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड, यू कैन सी हियर सो मेनी न्यूक्लियस आर देयर इन द सेम फिलामेंट, सेम फिलामेंट में सो मेनी न्यूक्लियस आर देयर, मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, अदर्स हैव सेप्टेट, सेप्टे और क्रॉस वॉल्स इन देयर हाइफे, अदर्स हैव सेप्टे, कुछ और में ऐसा सेप्टा भी मिलता है, पार्टीशन भी मिलता है, सम हैव पार्टीशन, सम हैव पार्टीशन, सम आर नॉट हैविंग पार्टीशन, नॉट हैविंग पार्टीशन को क्या बोलेंगे, एसेप्टेट, एसेप्टेट, अगर पार्टीशन है तो क्या बोलेंगे, सेप्टेट, पार्टीशन प्रेजेंट सेप्टेट, पार्टीशन नहीं है तो एसेप्टेट, द सेल वॉल ऑफ फंगाई आर कंपोज ऑफ काइटीन एंड पॉलीसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, काइटीन इज इज पॉलीसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड मीन्स ए लार्ज कार्बोहाइड्रेट, मोस्ट फंगाई आर हिट्रोट्रॉफिक एंड अब्सॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट, हेंस कॉल्ड सैप्रोफाइट, सो डेड मैटर से फूड निकाल रहे हैं ना, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड सैप्रोफाइट, सम दे डिपेंड अपॉन लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, they are called parasite and some grow as lichen, some grow as mycorrhiza, सुन लीजिए आराम से, fungi के जो filaments होते हैं उनको बोलते हैं hyphae, total filaments combinedly called network of hyphae combinedly called mycelium and hyphae may be aseptate or septate, aseptate means cross walls absent है, देखो सेप्टेट का मतलब है ये अंदर क्रॉस वॉल्स हैं, आफ्टर एवरी न्यूक्लियस इफ देर इज ए क्रॉस वॉल तब बोलेंगे सेप्टेट, अगर क्रॉस वॉल नहीं है तो ए सेप्टेट, ठीक है, एंड ए सेप्टेट कंडीशन इज मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, ए सेप्टेट माइसिलियम इज मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड दैट मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन इज ऑल्सो कॉल्ड सीनोसाइटिक, मैं लिख के देता हूं ना इधर नोट्स में, पॉइंट्स बना लेंगे इसके, ईच फिलामेंट को क्या बोला मैं, ईच फिलामेंट लॉन्ग थ्रेड लाइक, ईच फिलामेंट हाइफे, नेटवर्क ऑफ हाइफे को क्या बोले, नेटवर्क ऑफ हाइफे इट शुड बी कॉल्ड माइसिलियम, ठीक है, एंड हाइफे मे बी मल्टी न्यूक्लिएटेड, हाइफे मे बी मल्टी न्यूक्लिएटेड, अगर हाइफे मल्टी न्यूक्लिएटेड अगर हैं, अगर हाइफे मल्टी न्यूक्लिएटेड हैं तब कंडीशन क्या होगी, सीनोसाइटिक, अगर हाइफे मल्टी न्यूक्लिएटेड हैं तो सीनोसाइटिक, मल्टी न्यूक्लिएटेड, और एसेप्टेट मतलब क्या है, एसेप्टेट मतलब नो क्रॉस वॉल्स, नो क्रॉस वॉल्स, इफ यू ड्रॉ नो क्रॉस वॉल मीन्स लाइक दिस, मेनी न्यूक्लियस आर देयर and no partition in between the nucleus, septate, what is mean by septate, cross walls present,
अगर क्रॉस वॉल प्रेजेंट है तो सेप्टेट, क्रॉस वॉल एब्सेंट है तो एसेप्टेट. क्रॉस वॉल प्रेजेंट है लाइक दिस, आफ्टर एवरी न्यूक्लियस पार्टीशन, न्यूक्लियस पार्टीशन, न्यूक्लियस क्रॉस वॉल, न्यूक्लियस क्रॉस वॉल. सेप्टेट बोले, क्रॉस वॉल प्रेजेंट सेप्टेट, क्रॉस वॉल एब्सेंट एसेप्टेट. ओके नेक्स्ट, सेप्टेट एसेप्टेट हो गए. एंड इफ फंगाई आर ग्रोइंग ऑन डेड मैटर, ग्रोइंग ऑन डेड मैटर तब क्या बोलेंगे, सैप्रोफाइट. ग्रो ऑन डेड मैटर, ग्रो ऑन डेड मैटर. जो सैप्रोफाइट है वो डेड मैटर पे ग्रो हो रहे हैं. सैप्रोफाइट ग्रो ऑन डेड मैटर. पैरासाइट्स, पैरासाइट कहां ग्रो हो रहे हैं, ग्रो ऑन लिविंग प्लांट्स, ग्रो ऑन लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स. लिविंग प्लांट्स और एनिमल पे ग्रो हो रहे हैं तब पैरासाइट वर्ड यूज कीजिए, अगर डेड मैटर पे ग्रो हो रहे हैं तो सैप्रोफाइट वर्ड यूज कीजिए. एंड इफ अल्गे एंड फंगाई बोथ आर ग्रोइंग, लाइकेन इज इक्वल टू अल्गे प्लस फंगाई, बताया ना मैं, पार्टनरशिप. इफ देर इज ए पार्टनरशिप ऑफ अल्गे प्लस फंगाई वी कॉल इट लाइकेन. ये देखिए पूरे पॉइंट्स क्लियर हो गए. देखो ईच फिलामेंट हाइफे नेटवर्क ऑफ हाइफे माइसिलियम हाइफे मे बी मल्टी न्यूक्लेटेड. मल्टी न्यूक्लेटेड के लिए क्या वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, सीनोसाइटिक. सीनोसाइटिक एसेप्टेट मतलब नो क्रॉस वॉल, सेप्टेट का मतलब क्रॉस वॉल प्रेजेंट. एंड दे मे बी सैप्रोफाइट, दे मे बी पैरासाइट और लाइकेन की तरह ग्रो हो सकते हैं और दे कैन ग्रो एज माइकोरहिजा. वॉट इज माइकोरहिजा, पार्टनरशिप बिटवीन रूट्स, रूट्स जो प्लांट्स के रूट्स होते हैं प्लस फंगस, रूट्स प्लस फंगस कंबाइंडली कॉल्ड माइकोरहिजा. रूट प्लस फंगाई माइकोरहिजा, रूट प्लस फंगाई माइकोरहिजा, अलगे प्लस फंगाई लाइकेन. ठीक है नोट करिए. तो नेक्स्ट जा रहे हैं देखिए हम यहां पे कुछ और एग्जांपल देखने के लिए. पक्षीनिया, पक्षीनिया कॉजेस वीट रस्ट डिसीज, वीट रस्ट डिसीज, वीट रस्ट डिसीज. ठीक है पक्षीनिया से कौन सी डिसीज हो रही है, वीट रस्ट डिसीज. एंड वन मोर अल्ब्यूगो, अल्ब्यूगो से कौन सी डिसीज होगी, अल्ब्यूगो कॉजेस वाइट रस्ट डिसीज, वाइट रस्ट डिसीज. अल्ब्यूगो कॉजेस वाइट रस्ट डिसीज ऑन ऑन मस्टर्ड प्लांट. मस्टर्ड प्लांट पे कौन सी डिसीज है, वाइट, वाइट रस्ट. वीट रस्ट कहां पर है, पक्षीनिया. वीट रस्ट पक्षीनिया, वाइट रस्ट अल्ब्यूगो. वीट रस्ट पक्षीनिया, वाइट रस्ट अल्ब्यूगो. ठीक है नोट करते रहिए पॉइंट्स. ये जितने भी एग्जांपल्स है ना इन टुडेज क्लास, ऑल दोज एग्जांपल यू शुड प्रैक्टिस इट करेक्ट. एंड मोस्ट ऑफ दी फंगाई आर हिटीरोट्रॉफ. रिमेंबर स्टूडेंट्स हिटीरोट्रॉफिक मीन्स अनेबल टू प्रिपेयर देयर ओन फूड, खुद अपना फूड नहीं बना सकते. हिटरोट्रॉफिक इज इक्वल टू सो मेनी टाइप्स. हिटरोट्रॉफिक में आपको सैप्रोफाइटिक मिलेगा, पैरासाइटिक मिलेगा, सैप्रोफाइटिक भी मिलेगा, पैरासाइटिक भी मिलेगा. ठीक है हिटरोट्रॉफिक सैप्रोफाइटिक भी हो सकते हैं, पैरासाइटिक भी हो सकते हैं.
पैरासाइटिक मीन दे ग्रो ऑन लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, सैप्रोफाइटिक मीन दे आर ग्रोइंग ऑन डेड एंड डीकेइंग मैटर, एंड फंजाई दे रिप्रोड्यूसेस बोथ बाय एसेक्सुअल मेथड एंड सेक्सुअल मेथड। एसेक्सुअल मेथड से भी फंगस में रिप्रोडक्शन होगा, सेक्सुअल मेथड से भी रिप्रोडक्शन होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आकर बाय मीन्स ऑफ स्पोर्स, स्पोर्स होते हैं पाउडर लाइक स्ट्रक्चर, एंड दोज स्पोर्स मे बी कोनिडिया और स्पोरेंजियो स्पोर्स और जू स्पोर्स। इवन स्पोर्स जो वर्ड है, ये स्पोर्स क्या है, लोअर ऑर्गेनिज्म विच आर अनेबल टू प्रिपेयर देयर ओन सीड, जो अपने सीड नहीं बनाते वो स्पोर्स बनाते हैं पाउडर लाइक स्ट्रक्चर, एंड दैट पाउडर लाइक स्ट्रक्चर रिलीज बाय द फंगस डिस्पर्स बाय एयर और वाटर एंड आफ्टर मूविंग टू ए सूटेबल प्लेस दोज स्पोर जर्मिनेट इनटू ए न्यू माइसीलियम, ए न्यू फंगस। समझ रहे हैं ना? ठीक है, टोटल फंगल बॉडी को क्या बोले अपन, माइसीलियम। उसमें एक फिलामेंट को बोले हाइफे, एंड हाइफे मे बी यूनिन्यूक्लिएटेड और मल्टी न्यूक्लिएटेड। अगर हाइफे में बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, सो मैनी न्यूक्लियस, इसको बोलते हैं ना अपन एसेप्टेट सीनोसाइटिक। एसेप्टेट मीन्स नो क्रॉस वॉल, क्रॉस वॉल एब्सेंट रहा तो एसेप्टेट बोले, और सीनोसाइटिक का मतलब है मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन को बोलेंगे सीनोसाइटिक, और एसेप्टेट मतलब नो क्रॉस वॉल्स। ओके, सो विल स्टॉप हियर, इन नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू विद द क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई इज फर्दर क्लासिफाइड इंटू डिफरेंट ग्रुप्स जस्ट लाइक प्रोटिस्टा, एंड दैट वी विल टेक इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।